हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फॉर लूप वेरिएशंस के बारे में जानेंगे। मतलब कि फॉर लूप्स को और किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर लूप जो है बहुत सारे वेरिएशंस को सपोर्ट करता है, जो कि इसकी पावर और जो इसका एप्लीकेशन है, जिसे कह सकते हैं एप्लीकेबिलिटी, उसको बढ़ाता है। इसका रीज़न क्या है कि फॉर लूप्स में बेसिकली हम लोग फॉर के अंदर थ्री पार्ट्स लिखते हैं। इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है जो मेरा हमारा कंडीशनल होता है एक्सप्रेशन, और तीसरा जो इटरेशन होता है। तो ये तीनों पार्ट्स को हम किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इनिशियलाइजेशन का यूज़ हम लोग नॉर्मली वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। कंडीशनल तो कंडीशन चेक करते हैं कि लूप कब तक एक्सिक्यूट होगा, और जो इटरेशन है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये फॉर लूप बहुत ही पावरफुल है, हम लोग इन पर्पसेस के अलावा भी अलग पर्पस के लिए अगर हम कुछ और करना चाहते हों और हम चाहते हों कि हम फॉर लूप का यूज़ करें, तब भी हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत ही, अगर कहा जाए कि पावरफुल वेरिएशन या फिर कॉमन वेरिएशन बोले, तो वो कंडीशनल एक्सप्रेशन को लेकर है। जो एक्सप्रेशन अब तक हमने लिखा, उसे हमने इस तरह से लिखा कि हम लोग एक लूप कंट्रोल वेरिएबल को एक टारगेट वैल्यू के बेस पे जो है कंपेयर कर रहे हैं, और उस हिसाब से लूप हमारा एक्सिक्यूट हो रहा है। बट ये कंडीशन जो है, जो लूप कंट्रोलिंग का कंडीशन है, वो अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक प्रोग्राम लें, सैम्पल प्रोग्राम, तो जैसे मैं सिर्फ लिखता हूँ थोड़े सा, जैसे कि हमने बुलियन लिया, कुछ भी अगर नाम दे दें वेरिएबल का, डन ले लिया, और इसे फॉल्स ले लिया हमने, ठीक है। अब हम जैसे फॉर लूप में बात कर रहे हैं कि हम, ज़रूरी नहीं है कि किसी, जैसे हमने अगर लूप कंट्रोल वेरिएबल आई इज इक्वल टू वन लिया, और ये डन जो है उसे हमने डन लिया, और ये आई को हमने इंक्रीमेंट किया, मान लिया जाए हमने इसका निगेशन ऐसे ले लिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर अंदर कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लिख दूँ, इफ़ मान लिया जाए कि कुछ मेथड है हमारा इंटरप्टेड डन इज इक्वल टू ट्रू, ये कोई सा मेथड है जो कि कुछ आउटपुट देगा। उतना हमें डीप में समझने की ज़रूरत नहीं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जैसे पिछले प्रोग्राम्स में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, इस कंडीशन में जो आई है, उसको किसी वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करते थे, और ये टेस्ट करते थे कि हमारा लूप कब तक एक्सिक्यूट होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट करते थे। बट इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस लूप कंट्रोल वेरिएबल को कंपेयर किए बिना ही सिर्फ हमने डन नाम का एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉल्स वैल्यूज़ को असाइन किया था, और उस बेस पे हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा लूप कब तक एक्सिक्यूट होगा या नहीं होगा। इस कंडीशन में लूप जो है तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि ये डन वेरिएबल ट्रू होगा। यहाँ पे हमने निगेशन लिया, तो फॉल्स का निगेशन जो है वो ट्रू होगा और वो एक्सिक्यूट होगा। यहाँ पर आई के वैल्यू को हम लोग कंडीशन में चेक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये, और जब भी ये अगर ट्रू हो जाएगा इंटरप्टेड, जब भी मतलब इंटरप्शन होगा अगर सिंपल फॉर्म में बोला जाए, तो ये डन का वैल्यू ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, और लूप उसके बाद टर्मिनेट होगा। आइए कुछ और वेरिएशंस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक की पॉइंट लिख देता हूँ। तो की पॉइंट मेरा ये है कि जो इनिशियलाइजेशन है या फिर इटरेशन जो है हमारा लूप के अंदर, या फिर बोथ, वो क्या हो सकता है? बोथ कैन बी एब्सेंट।
मतलब कि किसी लूप में हम लोग चाहें तो इनिशियलाइजेशन को, इटरेशन को या दोनों को भी एब्सेंट रख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जो हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन है उसको एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर शायद कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पर पहले ये समझिए कि हम लोग इनिशियलाइजेशन और इटरेशन को एब्सेंट करना चाह रहे हैं या फिर दोनों को, ठीक है। तो अगर एक सैम्पल प्रोग्राम हम लोग देखें इसका, क्लास अगर हम लोग ले लें, कुछ भी नाम क्लास का ले लें, अगर हम लोग कुछ भी नाम ले लेते हैं, फॉर वेयर पब्लिक लिया, स्टैटिक लिया, वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, ठीक है, इंट हमने लिया आई, बुलियन अगर हम लें, पिछले प्रोग्राम में हमने बुलियन लिया था, डन इज इक्वल टू फॉल्स लिया था, सेम बुलियन यहाँ भी हम लोग लेते हैं। आई अगर 0 कर दें, इनिशियलाइज एक ही साथ इनिशियलाइज कर देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम फॉर लूप लिख रहे हैं, मान लिया जाए यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की जगह पर हम ब्लैंक रखना चाहें, सीधे हमने क्या किया, सेमी कॉलन लगा दिया। एक्सप्रेशन जैसा मैंने बोला कि इस प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे, मैंने बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन लिखा जैसे पिछले प्रोग्राम में लिखा था, और इटरेशन वाला पोर्शन भी मैंने ब्लैंक ही रखा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका बॉडी स्टार्ट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिखा, आई इज, और हमने आई को प्रिंट किया, ठीक है। अब अगर एक कंडीशन कुछ भी लिखते हैं हम लोग, आई को अगर मान लिया जाए कि हाँ अगर हम लोग इतना ही एक्सिक्यूट करना चाहे, आई इज इक्वल टू 10 हमने दिया, तो उसके बाद हमने डन को कर दिया ट्रू। पिछले प्रोग्राम में हमने इंटरप्टेड नाम का एक फंक्शन यूज़ किया था, वो थोड़ा एडवांस है, आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग फॉर लूप के अंदर जो है, फॉर स्टेटमेंट में सिर्फ कंडीशनल एक्सप्रेशन को लिखकर ही फॉर लूप का वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि इनिशियलाइजेशन पोर्शन हमने हटाया ज़रूर है, बट फॉर लूप से पहले हमने इनिशियलाइज किया है। मतलब कि एक तरह से कहें कि हम लोग मूव्ड आउट, शिफ्ट किया है हमने, फॉर लूप के बाहर शिफ्ट किया है। और क्या किया हमने, जो इटरेशन होता था, जो इंक्रीमेंट होता था, उसे भी हमने शिफ्ट किया, उसे हमने कहाँ शिफ्ट किया, फॉर लूप में एज ए स्टेटमेंट हमने शिफ्ट किया, ठीक है। ये स्टाइल जो है वो आपको थोड़ा पुअर पुअर लग रहा होगा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट बहुत कुछ बहुत सारी सिचुएशंस में, स्पेशली कुछ स्पेशल सिचुएशंस में क्या होता है, ये अप्रोच बहुत ही एक पावरफुल अप्रोच माना जाता है, मतलब एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो मान लिया जाए कि ये इनिशियल जो कंडीशन है ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मेरा जो लूप कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू हो रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखना उतना कन्वीनियंट नहीं हो फॉर लूप के अंदर, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को आउटसाइड कहीं भी लिख सकते हैं, और इस तरह से हम लोग फॉर लूप में, मतलब कि कह सकते हैं प्रोग्रामर फ्रेंडली वे में फॉर लूप को लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा लूप जो है वो नॉन सिक्वेंशियल वे में जो है मतलब कि लूप जो इटरेशन है वो नॉन सिक्वेंशियल वे में हो, लूप का जो इटरेशन है, तो इन कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर नॉन सिक्वेंशियल है मतलब कि डायरेक्ट इंक्रीमेंट या डायरेक्ट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा हो, और वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डायरेक्ट नहीं होकर कैसा हो रहा हो, हमारे लूप की बॉडी के बेस पे हो रहा हो, नॉन सिक्वेंशियल हो, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में भी
ये जो है मेरा इटरेशन पोर्शन, इसे खाली रखना ज़्यादा सही माना जाता है। आइए कुछ और लूप वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात करें। एक और जो वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझने लायक, वो है कि हम लोग इनफाइनाइट लूप का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग इनिशियलाइजेशन पोर्शन और इटरेशन पोर्शन को मूव आउट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग तीनों पोर्शंस को भी मूव आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक सैम्पल दूँ तो नॉर्मली अगर फॉर हमने लिया, पहला लिया, दूसरा लिया, और हमने पूरी बॉडी को ही खाली छोड़ दिया और कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन दे दिया, कुछ भी दे दिया, और हमने इसे कवर अप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये लूप क्या होगा, ये लूप फॉर एवर चलेगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कंडीशन जो कि इस लूप को एक्सिक्यूट होने से रोक सके। मतलब कि कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें कि टर्मिनेशन हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी शायद यूज़फुल ना हो या फिर इसका भी कोई बहुत यूज़ नहीं हो, बट बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड्स होते हैं या फिर प्रोसेसर्स के कमांड होते हैं, उनमें इनफाइनाइट लूप की ज़रूरत होती है। और इस टाइप की प्रोग्रामिंग में जो इनफाइनाइट लूप्स होते हैं, वो इस टाइप के लूप्स होते हैं कि उसमें कुछ स्पेशल टर्मिनेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस बेस पे वो टर्मिनेट होते हैं। मतलब कि हम उन्हें इनफाइनाइट लूप तो कह रहे हैं, बट वो टर्मिनेट किस बेस पे होंगे, सम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।